हिमाचल में उपचुनाव के प्रचार के इस दौर में जहां वार और पलटवार का दौर चल रहा है, तो वहीं बागियों पर भी सबकी नजर टिकी है। और ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर ने जहां कांग्रेसियों पर खुद को बड़ा नेता साबित करने की होड़ का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी के अनिल शर्मा के बागी तेवर को उनकी मजबूरी कहकर टाल दिया है। लेकिन सीएम जयराम ठाकुर अनिल शर्मा के मंत्रिमंडल में ताजपोशी को लेकर जरूर साफ करते नजर आए कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल में उपचुनाव के प्रचार में जुटे सीएम जयराम के निशाने पर कांग्रेस है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को अपने आप में एक तमाशा करार दिया। जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बाद हिमाचल कांग्रेस में नेता बनने की होड़ लग गई है। कांग्रेस पार्टी में कोई नेता दूसरे को नेता नहीं मानता और पार्टी में नेताओं के बीच एक होड़ सी मची हुई है। यानी कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक तमाशा है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में जब वरिष्ठ नेतृत्व तो नहीं रहा, वीरभद्र सिंह जी के जाने का हमको भी दुख है, हमारी संवेदना है, और जब वो नहीं रहे उसके बाद यहां होड़ मची है कि कौन कब्जा करेगा। तो वही विधानसभा क्षेत्र सदर के भाजपा विधायक अनिल शर्मा की तरफ से चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होने पर कहा कि अनिल शर्मा की पहले कई मजबूरियां रही होंगी, लेकिन उनसे मुलाकात के दौरान उनसे कहा गया है कि वो बीजेपी के लिए ही प्रचार करें क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य हैं। अनिल शर्मा के मंत्रिमंडल में ताजपोशी को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल में अभी कोई स्थान खाली नहीं है और किसी को मंत्रिमंडल से हटाना भी उचित नहीं है। हमने कहा उनको, टेक्निकली आप बीजेपी के सदस्य हैं, अभी भी हैं, आपको कोई भी व्यवस्था इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने से रोक नहीं सकती है। आप प्रचार करना चाहते हैं तो आप आइए। पिछला दौर हो गया, वो परिस्थिति एक अलग तरह की थी और उसमें पार्टी का निर्णय बड़ा साफ और स्पष्ट था कि वो संभव नहीं है जो वो चाह रहे थे, और इस बात को वो स्वयं भी रियलाइज करते हैं कि हमारे बीच में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाए कि हम टूटें आपसे और अलग हो जाएं, और ऐसे उस योजना के अंतर्गत कुछ लोग सफल हो गए, कामयाब हो गए, और मैं फिर से सोच रहा हूं, सारी चीज़ों को आकलन कर रहा हूं कि मुझे क्या करना है। और यही बात कही उनने कि अब आखिरकार मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं कोई निर्णय लूंगा। हमने अपनी पार्टी की ओर से उनके सामने भी ये प्रस्ताव रखा है। तो वहीं जनता के बीच आए सीएम ने न केवल सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी बल्कि अपनी सरकार की तुलना पूर्व की कांग्रेस सरकार से भी करते नजर आए। नितेश सैनी, मंडी, खबरें अभी तक।